हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड स्वागत है आप सभी लोगों का सुनील गेमर की एक और न्यू वीडियो के अंदर। सो गाइस, जो ये वाला वीडियो है वो मेरे चैनल का सबसे अमेजिंग और सबसे ऑसम वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर गाइस मैंने आप लोगों को जो पबजी मोबाइल की जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है वो इतनी ज्यादा ऑसम है कि भाई जब उस टाइम टिप्स एंड ट्रिक्स को आप लोग अपने गेम में यूज करोगे तो एनिमी कभी सोच भी नहीं पाएगा क्योंकि ऐसी भी टिप्स एंड ट्रिक्स पबजी मोबाइल में हो सकती है। अराउंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को 7 से 8 टिप्स एंड ट्रिक्स बताई और बहुत ही ज्यादा ऑसम ऑसम टिप्स एंड ट्रिक्स है। सो गाइस, अब अगर आप एक पबजी लवर हो तो इस वाली वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो ध्यान से एंड कंटिन्यू वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड हाँ गाइस, आप सब लोगों को एक बात बोल देना चाहता हूं कि अभी जो है मैं हर एक वीडियो के अंदर क्विज रखूंगा। क्विज क्या रहेगा कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा पबजी से रिलेटेड एंड उसके आपको आंसर देने पड़ेंगे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, जो आज का क्वेश्चन है वो ये है गाइस कि जो यूएमपी गन होती है, यूएमपी जो गन होती है उसके अंदर जो है बिना कोई अटैचमेंट के उसके अंदर जो है कितनी गोलियां रिलोड रहती है। फटाफट जितने भी लोग हैं नीचे कमेंट करके बताओ ताकि मेरे को पता तो चले कि आप लोग यहां तक कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते हो। तो चलिए यार गाइस, आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले करते हैं आज के स्पॉन्सर की बात। हेलो गाइस, सो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय विंजो गोल्ड। अगर आप लोग गाइस सीजन 11 का जो रॉयल पास है पबजी मोबाइल के अंदर बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हो तो मैं आपके लिए रिकमेंड करता हूँ एक एप्लीकेशन जो कि है विंजो गोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे आप लोग क्लिक करोगे इस वेबसाइट पर आओगे, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन के अंदर। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर वगैरह डाल के और ओटीपी डाल के रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपकी एप्लीकेशन को जो होगी वो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे गेम्स मिलते हैं। आप लोगों को सबसे पहले अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाने के लिए आप लोगों को भी एक गेम को मतलब कि जो है खेलना पड़ेगा। कोई भी गेम के ऊपर क्लिक करके आप लोग गेम खेलो, जीतो हारो कोई दिक्कत नहीं, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोगों को बहुत सारे पे गेम मिलते हैं। अगर आप लोग कोई भी यहाँ पे गेम खेलते हो और जीतते हो तो कभी आपको 5,000 रुपये, कभी आपको 10,000 रुपये, कभी कभी तो आप लोगों को 500 रुपये, 1,000 रुपये हर एक गेम जीतने के दोस्तों आप लोगों को पे मिलेंगे। तो काफी अच्छी एप्लीकेशन है गाइस, इस पे गेम्स खेल के बहुत सारे आप रुपए कमा सकते हो भी सिर्फ एक ही दिन के अंदर। उसके बाद आप लोग वॉलेट में जाकर दोस्तों आप लोग सारे 100 रुपयों को अपने जो है पेटीएम अकाउंट के अंदर सेंड कर सकते हो और इंस्टेंटली गाइस इसका पेमेंट मिल जाता है। बैंक में रुपए लेने के बाद आप लोग अपने पबजी के अकाउंट में बिल्कुल फ्री में इजिली यूज ले सकते हो। तो काफी अच्छी एप्लीकेशन है गाइस, उम्मीद करता हूं आपको ये एप्लीकेशन पसंद आई होगी। तो लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो और बहुत सारे यूसी कमाओ एंड रॉयल पास लो, 100 RP कर लो। थैंक यू। सो गाइस, जो पबजी वर्ल्ड का जो पहला ट्रिक है वो काफी ऑसम है और ये वाला जो ट्रिक है ना आपके लास्ट के जोन में बहुत ज्यादा काम आएगा। सो ये वाला जो ट्रिक है वो करता है वर्ग गाइस स्टाइल बर में। अब जब से पबजी वर्ल्ड के अंदर विंटर मोड आया है, स्टाइल बर तो भाई एक हॉट ड्रॉप बन चुका है, यहाँ पे बहुत सारे बंदे उतरते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ जिसके जरिए भाई आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और आपने नहीं एनिमी जो होंगे ना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई यहाँ पे बंदा चढ़ भी तो चढ़ कैसे सकता है। ओके, अब यहाँ पे स्टाइल बर में क्या होता है कि कुछ ही घर है, मतलब या तो एक सैक जो है इसके अंदर हम लोग छुप सकते हैं या फिर सामने 2-3 घर है इसके अंदर हम लोग छुप सकते हैं। बाकी ये जो इस तरीके से कुछ मतलब कि कुछ एक ब्रांड बेस जो बनाए गए हैं इनके जो है हम लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसके अंदर छुपेंगे तो भाई इजीली कोई भी बंदा जो है हमें यहाँ पे किल कर देगा। ओके, और ऊपर जो है हम इसके नहीं चढ़ सकते क्योंकि ऊपर यहाँ पे चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियां ही नहीं और इसके ऊपर चढ़ना तो भाई इम्पॉसिबल मानते हैं। और आप लोग भी अगर पबजी खेलते हो कभी अगर स्टाइल पर उतरे हो, पहले तो मेरे को कमेंट में ये बताना कि स्टाइल पर कभी उतरे हो या फिर नहीं उतरे। अगर उतरे हो तो भाई इनके ऊपर चढ़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम्हारा भाई आज की इस वाली वीडियो के अंदर बताएगा कि तुम लोग इन जो है जो मैं आप लोगों को बरामदे जो बता रहा हूँ इनके ऊपर आप लोग किस तरीके से चढ़ सकते हो, इनको क्लाइम कैसे कर सकते हो। और भाई साहब, यहां से जब किसी बंदे को मतलब कि खत्म करोगे ना तो भाई चौंक जाएगा बंदा कसम से। तो करना क्या है, आप लोगों को पीछे की तरफ आना है और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को जो है अपनी जो एक डासिया गाड़ी लेनी है, आपको यहाँ पे रखनी है, फिर आपको डासिया के छत पे जंप करना है, फिर आपको यहाँ पे जंप करना है और यहाँ पे जंप करने के बाद सामने जो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा इसके ऊपर आप लोगों को एक जंप करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में था और मैंने मतलब कि थोड़ा मैं आगे की तरफ आ गया, तो वापस मैं ट्राई करके आप लोगों को बताता हूँ। ये ट्रिक काफी ऑसम है और ये वर्क करती ही करती है गाइस, एंड अगर आप लोग इसके अपने गेम में यूज करोगे तो भाई मैं पक्का श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि भाई ये जो ट्रिक है ना वो करोगे ना तो भाई किसी भी बंदे को तुम लोग पूरा स्टाइल पर अकेले ही खाली कर सकते हो, तुम्हें अपनी स्क्वाड की जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले वहां पे जंप करके आपको यहां पे आ जाना है और यहां पे आने के बाद जो है आप लोगों को आगे की तरफ जो है इस तरीके से यहां पे एक जंप करना है, यहां पे तो आपको तेजी से भागना है और जो अपना जो जंप वाला बटन रहता है ना उसको बार बार क्लिक करते रहना है ताकि आपका लेस ग्रेव वाली ट्रिक है वो काम कर जाए। और यहां पर आप लोग देख सकते हो, बूम गाइस मैं आ चुका हूं ऊपर की तरफ। अब यहां से आप लोगों को इतना अच्छा व्यू मिलेगा ना कि भाई यहां से आप लोग किसी को भी जो है ना किसी को भी मतलब कि क्या बोलो किसी का भी बाल उड़ा सकते हो, किसी का खोपड़ा उड़ा सकते हो, जो आपको उड़ाना है वो उड़ा सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ एक गन है तो कोई बात नहीं है, और अगर आपके पास कोई गन वगैरह नहीं है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं यार, क्योंकि बंदा कभी सोचेगा नहीं कि भाई यहाँ पे भी बंदे हो सकते हैं, पूरी स्क्वाड यहाँ से निकल जाएगी, उसके बाद आप लोग यहाँ पे जा सकते हो, नहीं तो पूरी स्क्वाड को भी आप लोग यहाँ पे खत्म भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा व्यू भी मिलता है अगर लास्ट का जोन यहाँ पे बनता है तो भाई आप लोग हील बैटल खेल सकते हो बंदों के पास, लेकिन बंदों को कभी जिंदगी में पता नहीं चलेगा कि इसके ऊपर भी बंदा हो सकता है। आप लोग अगर चाहो तो इस सामने वाले के अंदर भी जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको तेज छलांग लगानी पड़ेगी जो कि एक हैकर हो तभी लग गई, मतलब कि आप लोग सिर्फ इसी पे क्लाइम कर सकते हो, लेकिन यही बहुत अच्छा है यार, इसके ऊपर क्लाइम करना भी इम्पॉसिबल था जो कि मैंने आप लोगों को बताया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये पहले वाली जो ट्रिक है ना वो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज यार लाइक कर दो यार फटाफट से, एंड अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब तो बनता है यार। ये ट्रिक देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भगवान माफ नहीं करेगा। ये देखो इस बंदे को माफ नहीं किया, मेरे टीममेट को भी।
तो चलो गाइस अब हम बात करते हैं पबजी मोबाइल के दूसरी ट्रिक के बारे में। सो गाइस जो दूसरी ट्रिक है ना, ये गाइस मैंने खुद ने ढूंढी है, और ये जो ट्रिक है वो मतलब आपने कभी सोचा नहीं होगा कोई ऐसी ट्रिक काम करेगी। और आप एक ही क्लिक में बिना किसी को मतलब आप लोगों को किल नहीं करना, बिना कोई सोचे जो है पूरी स्क्वाड ही खत्म हो सकती है जो स्क्वाड आप पे रस करेगी। अगर कोई स्क्वाड हाउस के अंदर आप पे कभी रस हो रहा होगा ना, तो भाई ये ट्रिक आप जरूर अप्लाई करना। 100% बता रहा हूँ कि एक स्क्वाड में से पूरी स्क्वाड एक ही साथ में खत्म हो सकती है, नहीं तो एक से दो मदद तो नॉकआउट होगा ही होगा। सो करना क्या है गाइस, आप लोगों को जो है जो स्क्वाड हाउस का जो दरवाजा होता है, उस दरवाजे के पास में जो है आप लोगों को इस तरीके से गाड़ी को खड़ा करना है। ओके, गाड़ी को खड़ा करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो गाड़ी होती है ना उसको आपको डैमेज करना है, पूरा डैमेज कर देना है। ओके, और यहाँ पे आप लोग जो है डासिया यूज कर सकते हो। बगी पे शायद काम करे नहीं करे मैं नहीं जानता, लेकिन डासिया पे काम कर सकते हो आप लोग। यूएस पे ये जो ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, मैं फटाफट से जो है इस गाड़ी को पूरी फोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर जब गाड़ी को मतलब आपको इतना देख लेना है कि इसकी हेल्थ कितनी बची है। अब यहाँ पे देखो मैं काफी ज्यादा मतलब कि गोलियां मार रहा हूँ, यहाँ पे देखो आग जो है वो गाड़ी की लग चुकी है। ओके, तो यहाँ पे आग लगने से कुछ नहीं होगा, आपको बार बार बैठ के देखना है कि हेल्थ कितनी बची है, और जैसी हेल्थ बचती है ना उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को गाड़ी पे जो है फायर करते रहना है। ओके, और जब आपको लगे कि भाई हाँ अब जो है सिर्फ एक ही गोली या फिर दो गोलियों के अंदर गाड़ी फट जाएगी, उसके बाद जो है आप लोगों को फायर नहीं करना। जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये जो ट्रिक है ना वो डिफरेंट है और ये बहुत ज्यादा ऑसम है। सो यहाँ पे थोड़ी सी हेल्थ भी बची है, थोड़ी सी मतलब दो से चार गोलियां मारूंगा तो खत्म हो जाएगी। सो यहाँ पे देखिए मैंने एक गोली मारी और अभी हेल्थ पूरी है, मतलब ठीक ठाक है। ओके, उसके बाद क्या करना है, जबकि गाड़ी जो रहती है ना उसको दरवाजे के पास में लगा देना है, और लगाने के बाद आपको भाग जाना है। अब कोई भी एनिमी अगर जो अंदर आने की कोशिश करेगा, तो भाई साहब तुमने देखा कि क्या हुआ, तुमने नहीं देखा होगा लेकिन मैं बताता हूँ हुआ क्या है। जैसे ही बंदे ने जो है दरवाजा खोलने की कोशिश की, गाड़ी उसी टाइम फट गई, और उसी टाइम फटते मेरे बंदे की जो मतलब आरजी की जो है हेल्थ तुम लोग देख सकते हो हेल्थ कितनी बची है। अब यार यहाँ पे क्या होता है कि पबजी मोबाइल में जब से नया अपडेट आया था, एक सिस्टम है कि हम लोग अगर गैस कैन से भी अपने टीममेट को मारने की कोशिश करते हैं तो जो क्या होता है कि जो हेल्थ रहती है ना वो बहुत कम रहती है, मतलब एक एचपी तो बची जाती है, लेकिन इसकी जगह अगर एनिमी रहता ना तो पक्का 100% नॉक हो ही जाता। आपने भी ये बात गौर की होगी। ओके, तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा ऑसम है गाइस, इसको आप लोग अपने गेम में पक्का वाले यूज़ करना। अब हम करते हैं तीसरी ट्रिक के बारे में। सो गाइस जो ये जो ट्रिक है ना ये भी काफी ऑसम है, और ये जो ट्रिक वर्क करती है वो करती है पोचिंगी के पीछे की तरफ जो है कुछ घर वगैरह है, सो वहां पे जो है ना ट्रिक काम करती है। ओके, सो ट्रिक क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। सो ट्रिक ये है कि यहां पे जो थ्री स्टोरी है, इस थ्री स्टोरी के अंदर आगे कोई बंदा है तो उसको कैसे मार सकते हो। सो गाइस अगर आपको लगता है कि ऊपर की तरफ कोई बंदे हैं, मतलब कि ऊपर की तरफ बंदे हैं, और आप लोगों का ये भी लगता है कि आप लोग जो है ऊपर की तरफ रस नहीं कर सकते, तो उस टाइम के लिए ये जो ट्रिक है ना आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो ये जो ट्रिक है वो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, और यहाँ पे इसमें करना क्या है, आप लोगों के पास एक बगी होनी चाहिए। अब मैंने क्या ना बगी थोड़ी दूर रोक दी थी, आपको जो अपने बगी को पास में रखना है। ओके, और बगी को जो है ना इस तरीके से आपको लगाना है। अगर आपके पास डासिया है तब भी ये ट्रिक बहुत अच्छी काम करेगी, अगर आपके पास यूएच है तो भाई बहुत अच्छा काम करेगी, अगर आपके पास बगी है ना तो भी ये ट्रिक काम करेगी। सो करना क्या है आप लोगों को, जो बगी को जो है कुछ इस तरीके से लगाना है, और उसके बाद जो है आप लोगों को चढ़ना है। ओके, यहाँ पे जंप करने की कोशिश करनी है, और ये जो सैक दिख रहा है ना इस सैक के ऊपर आपको चढ़ना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने जंप किया और बूम गाइस मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ। अब जो भी बंदा होगा जो अंदर की तरफ होगा वो क्या करेगा, सीढ़ियों की तरफ ध्यान रखेगा, तो उस टाइम पे आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा, आप लोग इजिली जो है एक से दो बंदों को नॉकआउट कर सकते हो, और फिर आपकी पूरी की पूरी टीम जो है सीढ़ियों से बेखौफ जो है उसके ऊपर रश कर सकती है, एंड पूरी टीम को आप लोग इजिली खत्म कर दोगे। तो भाई लोग ये वाली जो ट्रिक है ना बहुत ज्यादा औसम है, कुछ लोग तो यहाँ पे भी टीपी भी लेते हैं, तो भाई आप पीछे से आके उनको भी सरप्राइजी अटैक दे सकते हो। तो भाई कुल मिला के अगर मैं बात करूँ ना तो ये जो ट्रिक है वो काफी ऑसम है, और ये आप लोगों को अपने गेम में पक्का यूज करनी चाहिए। तो चलो यार अगर ये ट्रिक पसंद आ गई और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं दबाया है तो अभी दबा दो यार, कब दबाओ। ओके, सो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। सो गाइस जो नेक्स्ट ट्रिक है वो गाइस यहाँ पे वर्क करती है मिलिट्री बेस में। अब मिलिट्री बेस के पीछे की तरफ आप लोगों को पता होगा कि कुछ इस तरीके से जो है मतलब कि कुछ मिसाइलें वगैरह है, और ये मिसाइलें चलती नहीं है, लेकिन भाई साहब आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को इन मिसाइलों का एक ऐसा यूज़ बताऊंगा ना कि भाई तुम इन मिसाइलों के अंदर जा सकते हो। जी हाँ, इन मिसाइलों के आप अंदर चले जाओगे, मतलब कि यहाँ पे इन मिसाइलों के ऊपर जो है ना ऐसा हाइड होने का एक सीक्रेट लोकेशन है ना, जिनके जरिए आप लोग हाइड हो जाओगे, कोई बंदा आपको ढूंढ तक नहीं पाएगा, और भाई लोग तुम लोग इजिली जो है किसी भी बंदे को जो है हत्या चढ़ मतलब किसी कोई बंदा तुम्हारे हाथ चढ़ सकता है, तुम हाथ नहीं चढ़ सकते। सो उसके लिए करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले इधर की तरफ आना है, और यहाँ पे आने के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे एक जंप करना है। ओके, यहाँ पे एक जंप करके आपको यहाँ पे चढ़ना है, और थोड़ा ध्यान से चढ़ना, मेरे तो प्रैक्टिस है इसलिए मैं तो चढ़ जाता हूँ हर किसी जगह पे, और यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे चढ़ना है। यहाँ पे चढ़ने का भाई आप लोगों को जो व्यू मिलेगा ना, मतलब कि सोच लो कि अगर जो है आपके पास सर्किल है, ये देखो ट्रिक जब भी आप यूज़ करना जिस टाइम पे मतलब कि मिलिट्री बेस में ज़्यादा बंदे हो तो यहाँ पे आके बैठ जाओगे तब आपको कोई नहीं मार पाएगा, या फिर अगर जो है लास्ट का जोन अगर मतलब कि यहाँ पे बना है आपके पास में और सामने की तरफ बहुत सारे बंदे और लेटे पड़े घास में, तो भाई ऊपर से आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से M4 पे फॉरेक्स लगा के या फिर जो है
हंड्रेड पे फॉरेक्स ईटेक्स लगा के इजिली बंदों को स्पॉट कर सकते हो, और हर एक बंदे को भाई जो है ना इतना गंदी तरीके से आप लोग खत्म करोगे ना, मैं क्या बताऊं। तो ये जो ट्रिक है ना काफी ऑसम है गाइज, एंड ये ट्रिक किसी ने सोची नहीं होगी, लेकिन ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है। तो अगर इसके लिए तो लाइक बनता है यार, अगर अभी तक लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दो। एंड हाँ, मेरे को ये जरूर बताना कि जो पहले जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को कि यूएमपी में बिना कोई अटैचमेंट लगाए उसमें जो जब भी हम रिलोड मतलब यूएमपी में बिना कोई अटैचमेंट लगाए उसके अंदर कितनी गोलियां रिलोड रहती है, इसका अगर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया ना फटाफट दे दो भाई, देखता हूँ कि कितना तुम्हारे में दिमाग है। ओके, तो गाइस उसके बाद जो है मतलब कि हम निकल गए, और अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। सो गाइस जो नेक्स्ट ट्रिक है ना वो भी काफ़ी औसम है, और ये भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सो ये वाली जो ट्रिक है वर्क करती है वहीं पे मिलिट्री बेस में सेम लोकेशन पे, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि मिसाइलों के बाद में जो है कुछ एरोप्लेन्स है जो कि मतलब कि पबजी मोबाइल के अंदर पीछे ऐसे पड़े हुए हैं, मतलब वो चलते वलते नहीं है। लेकिन भाई एक ऐसी ट्रिक मैं आप लोगों को लेके आऊँ ना जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इसका ऐसा भी यूज हो सकता है, मतलब कि अगर यहाँ पे लास्ट का सर्कल यहाँ पे बनता है तो भाई बंदे चाह के भी तुम लोगों को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, मतलब तुम सामने रहोगे बंदों के, ओके, और तुम्हारे सामने चार लोग रहेंगे, तुम उनके पास में बैठे होंगे लेकिन वो तुम्हें खत्म नहीं कर पाएंगे। उसके लिए करना क्या, आप लोगों को पता होगा कि मिसाइलों के पास में जो है कुछ इस तरीके से कुछ खड्डे वड्डे बने होते हैं जिनके अंदर हम लोग जो जाके छुप सकते हैं, लेकिन दूर से अगर कोई बंदा स्पॉट करे तो तुम्हें मार सकता है, लेकिन अभी तुम्हें कभी ये जो नहीं मार पाएगा। उसके लिए करना क्या, अपनी गाड़ी को जो है इस तरीके से अपने अंदर की तरफ घुसेड़ना है, ओके। पहले अपने टीममेट को कुछ हील वील दे देनी है ताकि आपका टीममेट जो है बाद में हील हो सके, और अपनी जो गाड़ी लेके इस तरीके से आपको गाड़ी को जो है अंदर की तरफ घुसेड़ना है। अब यहां पे मैंने इस वाली जो ट्रिक को शूट करते मैंने गलती की थी कि मैंने गाड़ी को सीधा घुसाया, आपको टेढ़ा लगाना है गाड़ी को ताकि जो है ये पूरा पूरा जो मतलब कि जो दरवाजा है ना जो आगे वाला दरवाजा पूरा ब्लॉक हो सके। जब भी आप गाड़ी लगा लो उसको आपको पहले तो आपको चारों के जो टायर रहते हैं उन टायरों को आपको फोड़ना है, टायरों को जैसे फोड़ देते हो उसके बाद जो है आपको गाड़ी को फोड़ देना है गाइस, ओके। अब आप लोगों को लगभग गाड़ी का मुंह रखेगा जो गाड़ी को फोड़ रहा है, नहीं, मैं आपको बताता हूं कि गाड़ी को क्या करना है, गाड़ी को पूरा पूरा ब्लास्ट कर देना है, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैंने गाड़ी को पूरा पूरा ब्लास्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखो कितना इजी और अमेजिंग तरीके से अब मेरे को बंदे को कोई मार ही नहीं सकता, मतलब कोई बंदा चाह के भी नहीं मार सकता। और दूसरी बात क्या है ना कि अगर आपके टीममेट के पास में या फिर आपके पास अगर रेड डॉट है तो आप लोग अंदर से बाहर फायर कर सकते हो, और फायर बकायदा फायर आएगा बाहर। तो भाई ये ट्रिक बहुत ज़्यादा औसम है, लेकिन मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, इस ट्रिक में मेरे से गलती हुई, मैं गलती अपनी मानता हूँ, आपको गाड़ी को जो है तिरछा लगाना है, आडा लगाना है ताकि कोई बंदा अंदर ग्रेनेड भी नहीं कर पाएगा। तो भाई साहब आपको ये ट्रिक कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना, एंड उम्मीद करता हूँ गाइस आपको आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। जो ट्रिक लेके आया हूं, नई ट्रिक लेके आया हूं, हर दिन वीडियो आएगी एंड हर दिन एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो चलो यार गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।